हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन का लड्डू। बेसन का लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है वन बाउल। मैंने ये बेसन लिया है और ये लिया है वन बाउल। ये बड़ा बाउल है, ये वन छोटा बाउल। मैंने चीनी लिया है, इसको पीस लिया है मैंने। चीनी को मिक्सर के जार में डाल के इसको पीस लिया है। और आधा बाउल मैंने घी लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। बेसन का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें एक चम्मच घी डाल देते हैं। एक चम्मच के करीब मैंने घी डाला इसमें। अब इस घी को ऐसे फैला देते हैं, इस घी को गर्म होने देंगे। अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा फिर इसमें बेसन डालेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें जो मैंने बेसन लिया था वन बाउल, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको ऐसे मिक्स करेंगे। इस तरीके से चलाते हुए बेसन को हम भूनेंगे। अपना फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अगर देख रहे हैं अगर कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो जा रही है तो फ्लेम लो कर देंगे। ऐसे मीडियम फ्लेम पे ही इसको ऐसे चलाते हुए पकाएंगे। सूजी को अच्छी तरीके से भूनेंगे। बीच बीच में एक एक चम्मच घी डालते रहेंगे इसमें। देखिए इस तरीके से फिर से मैं एक चम्मच के करीब घी डाल देती हूँ और फिर से इसको मिक्स करते हुए ऐसे चलाते हुए भूनेंगे। इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। इसको लगातार हम चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा ये बेसन। बीच बीच में इसमें एक या दो चम्मच के करीब में घी डालते रहेंगे। एक बार मैंने घी डाला था और फिर से एक चम्मच के करीब में इसमें घी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करके फिर से चलाते हुए इसे बेसन को भूनेंगे। इस तरीके से चलाते हुए इसको भूनेंगे। आप देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो रहा है। इसमें मैंने दो चम्मच के करीब में तीन बार मैंने घी डाला था। हमारे पास ये जो बाउल है आधा घी था और उसको मैंने यूज कर लिया है, सारे घी का यूज किया मैंने इसमें। उस बाउल में आधा हमने घी लिया था और सारे घी का इस्तेमाल कर लिया हमने। देखिए बेसन का कलर चेंज हो रहा है, इसको ऐसे ही चलाते हुए भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। देख सकते हैं बेसन हमारा भून चुका है। दो तीन मिनट और भूनेंगे इसे इसे चलाते हुए। देख सकते हैं आप बेसन का हमारे कलर चेंज हो चुका है और इसमें से खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। हमारा बेसन भुन चुका है, बिल्कुल रेडी है। बेसन बिल्कुल भुन चुका है, अब इसको ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसका लड्डू बनाएंगे। अभी इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर लड्डू बनाएंगे। आप देख सकते हैं बेसन हमारा ठंडा हो चुका है, ठंडा हो गया है। अब इसमें हम ये जो चीनी वन बाउल लेके इसको पीस के मैंने रखा था, इस तरीके से इसमें डाल देंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिया था उसको पीसेस, उसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए थे मैंने, ड्राई फ्रूट्स है, इसको डाल देंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसी तरीके से पहले स्पून से मिक्स कर लेंगे या इस स्पेचुला की मदद से भी हम मिक्स कर सकते हैं। मैं तो इस स्पेचुला की मदद से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से मिला लेंगे अच्छी तरीके से, तो ठंडा हो जाएगा फिर यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच और घी, एक चम्मच घी डालेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार घी का यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है चम्मच घी का यूज़ कर सकते हैं, दो या तीन जितना का जरूरत हो उतना घी डाल सकते हैं। मैं अपनी क्वांटिटी के अनुसार एक चम्मच इसमें घी डाली हूँ, इसमें मैंने एक चम्मच घी डाला है। इस तरीके से हाथों की सहायता से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ऐसे इस तरीके से हाथों से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने ऊपर से एक चम्मच के करीब में घी डाला है जिससे हमारे लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जिससे हमारा लड्डू टेस्टी तैयार होगा। ऐसे मैंने ऊपर से एक चम्मच घी डाला है। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार डाल सकते हैं घी, जितनी क्वांटिटी हो उसके अनुसार आप घी का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स हो चुका है। अब इसका लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब ऐसे लेके मैं इसका राउंड शेप दे रही हूँ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है हमारा लड्डू। ये देखिए इस तरीके से इसका शेप दे देंगे, ऐसे करके लड्डू का शेप देंगे। काफ़ी टेस्टी तैयार हुआ है हमारा लड्डू, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है। ये देखिए ऐसे ही हम सारे लड्डू को बना लेंगे और सारे लड्डू तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बेसन का लड्डू जो है उसको रेडी कर लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है मेरा बेसन का लड्डू, देख सकते हैं आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।